कमर से लेकर घुटने तक और टांग की पिछली तरफ एक अस्ब आता है, अगर उसमें दर्द हो तो इसे अरकुन निसा कहते हैं। ये दर्द जो है लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं इसे, इसे शियाटका भी कहते हैं। दिव्य नवी में बहुत ही उम्दा इलाज है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु शिफाउन अरकिन निसाई अलियाती शाती अरबियता तजाबु सुम्मा नजी सलासती अजजाइन सुम्मा यशरबु अलर्रीकी फी कुल्ली योमिन। जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि उन्होंने फरमाया कि अगर टांग की पिछली तरफ दर्द हो तो अरबी बकरी की पुश्त का हिस्सा लेकर इसके तीन हिस्से किए जाएं और इसकी यखनी पिलाई जाए तो ये बहुत ही मुफीद है। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मज़ीद फरमाते हैं, अतियबुल लहमी लहमुज़्ज़हर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा गोश्त पुश्त का गोश्त है। यहाँ ये बात भी साबित हो गई और बहुत सारे मरीजों को पुराने इत्बा ने इस्तेमाल कराया जिनसे उनका शियाटका का लंगड़ी का दर्द कमर का दर्द जाता रहा। सुभान अल्लाह।